नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का काफिला हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराते हुए ऑटो से जा भिड़ी दमकल की गाड़ी, 7 लोग हुए जख्मी। दुबई में पड़ोसियों के लिए इफ्तार बना रहा था भारतीय दंपति, तभी इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर हुई मौत। आध्यात्मिक गुरु बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के समर्थन में आज ले बंद, लोगों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए SIT गठित, पर्यवेक्षण के लिए 3 सदस्यीय समिति बनी। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, शराब घोटाले मामले में 1 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सभासद पद का टिकट कटने से खफा भाजपा नेता ने खाया जहर, हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूडान के सेना अर्धसैनिकों के बीच झड़प जारी, अब तक 100 की मौत, UN ने सभी कार्यों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, सीमा से ज्यादा पेड़ काटने का है ये मामला। कर्नाटक में भाजपा को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार, DK शिवकुमार ने किया नामांकन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में CM भूपेश ने BPO सेंटर के लिए किया भूमि पूजन, कहा युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के रास्ते खुलेंगे। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।